तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर टू ऑल अबाउट फैमिली स्टेपिंग स्टोन क्या क्या है फैमिली है और शेयरिंग इन ए फैमिली देखो एन्जॉय द फैमिली फिंगर राइम गिव एन बिलो दिस इज ए फैमिली होल्ड अपर हैंड विथ फिंगर स्प्रेड ए पार्ट ऐसे करके अपने फिंगर को देखो ठीक है आपको ये फैमिली जैसे लग रहा है देखो यहाँ पे फाइव मेंबर्स हैं हम इसको देखेंगे दिस इज द मदर हु loves एवरी वन your योर इंडेक्स फिंगर ये जैसे यहाँ पे पिक्चर पे दिया है आप लोग अपनी उंगली को ऐसे करके देखो और ये देखो Wiggle योर इंडेक्स फिंगर इंडेक्स फिंगर मतलब ये वाला फिंगर है ये कौन है मदर है ठीक है जो फैमिली के सारे लोगों को प्यार करते हैं दिस इज द फादर हु eats लॉट्स ऑफ fun. Wiggle योर थम्ब thumb. thumb देखो ये फिंगर ये है कौन फादर है जो कि बहुत मजाक करते हैं अपने परिवार को संभालते हैं दिस इज द सिस्टर विथ हुम आई प्ले वी गल योर रिंग फिंगर रिंग फिंगर कौन सा है ये वाला है रिंग फिंगर ठीक है ये कौन है सिस्टर है देखो पिक्चर में दिया है हुम आई प्ले जिसके साथ तुम खेलते हो दिस इज द ब्रदर हुई इज ग्रोइंग इच डे और ये कौन है ब्रदर ये जो मिडिल फिंगर है ठीक है ये कौन है ब्रदर है जो कि दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है आउट देर एलोन वी गल योर लिटिल फिंगर ये लिटिल फिंगर कौन है दैट इज टॉफ़ी चीविंग ए बोर्न टॉफी एक कुत्ता है ठीक है इसके फैमिली में कौन कौन रहते हैं फादर मदर ब्रदर सिस्टर एंड ए टॉफ़ी तो फैमिली क्या है देखो पेरेंट्स एंड दे आर चिल्ड्रेन टूगेदर मेक ए फैमिली वी ऑल लिव टूगेदर इन ए फैमिली पेरेंट्स और उनका चिल्ड्रेन इन इन सबको मिलाकर क्या बनता है फैमिली बनता है पेरेंट्स मतलब फादर मदर दोनों के मिलाकर कहा जाता है पेरेंट्स और उनके बच्चों उनके बच्चों को मिलकर क्या होता है फैमिली होता है और हम सब लोग एक ही फैमिली में रहते हैं अपने अपने फैमिली में फैमिलीज आर मेनी टाइप देखो फैमिली कितने टाइप के होते हैं स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली लार्ज फैमिली ज्वाइंट फैमिली फैमिली कितने टाइप के होते हैं थ्री टाइप्स क्या क्या स्मॉल और न्यूक्लियर लार्ज एंड ज्वाइंट फैमिली ठीक है स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली देखो When we live with our parents and siblings, it is called a small family or a nuclear family. हम जब अपने मम्मी पापा और या अपने भाई बहनों के साथ रहते हैं उसे कहा जाता है स्मॉल फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली मम्मी पेरेंट्स मतलब अपने मम्मी पापा और सिबलिंग्स मतलब अपना खुद का भाई सिर्फ स्मॉल फैमिली में कौन कौन रहते हैं मम्मी पापा रहते हैं और भाई बहन रहते हैं ठीक है इस फैमिली को क्या कहा जाता है स्मॉल फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली लार्ज फैमिली When parents, siblings, and grandparents all live together, it is called a large family. Large family kya क्या है जो mein में matlab मतलब कि मम्मी पापा भाई बहन और ग्रैंड पेरेंट्स जो हमारे दादी दादा दादा या दादी माँ रहते हैं जो उनसे फैमिली में एक साथ वो लोग रहते हैं उनसे क्या कौन सा फैमिली कहा जाता है लार्ज फैमिली ठीक है पीपुल बिलोंगिंग टू आवर फैमिली आर ऑल्सो नोन एच आवर रिलेटिव्स फॉर एग्जाम्पल ब्रदर्स ऑफ आवर मदर और फादर आर नोन एज अंकल्स सिस्टर ऑफ आवर मदर और फादर आर नोन एज आंट्स एंड चिल्ड्रेन ऑफ आवर अंकल्स एंड आंट्स आर कॉल्ड कजन्स जो हमारे फैमिली के जो हमारे जो रिश्तेदार होते हैं जैसे कि हमारे पापा की बहन हो या मम्मी की बहन हो उनको क्या कहते हैं हम रिलेटिव कहते हैं ठीक है पापा के भाई या बहन को क्या कहा पापा के भाई को क्या कहा जाता है अंकल कहा जाता है हर मम्मी के भाई को भी क्या कहा जाता है अंकल कहा जाता है उसी तरह पापा की बहन हो या मम्मी की बहन उनको क्या कहते हैं आंट कहते हैं और हमारे जो अंकल और आंट हैं उनका जो बच्चा होता है उनका यह जो बेटा या बेटी होता है उसको हम क्या कहेंगे अपना कज़न कहेंगे ठीक है समझ में आया आपके जैसे कि चाचा होते हैं मासी होते हैं ठीक है ये सब आपके अंकल और आंट हैं और उनके जो बेटा बेटी होते हैं उसको आप क्या कहेंगे कज़न कहेंगे देखो राइट अबाउट योर फैमिली मेम्बर्स बाय कम्प्लीटिंग द सेंटेंसेंस गिवहन बिलू बेस्ट योर फैमिली फोटोग्राफ इन द गिहन बॉक्स यहाँ पे एक बॉक्स में आपका फैमिली फोटो चिपकाना है आप चिपकाओगे यहाँ पे आपका मदर का नाम लिखना है माई मदर्स नेमेज क्या है माई मदर इच है आपके मदर क्या करते हैं टीचर है तो टीचर लिखोगे हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ लिखोगे जो भी जॉब करते हैं वहाँ पे लिखोगे माई फादर्स नेमेज आपका यहाँ पे अपना पापा का नाम लिखना है माई फादर इचे आपके पापा जो भी काम करते हैं यहाँ पे आपको लिखना है दे आर डेक्स मेंबर्स इन माई फैमिली आपके फैमिली में कितने टोटल तो, मेंबर हैं आपको गिन कर लिखना है ठीक है यहाँ पे लिखना ज्वाइंट फैमिली देखो फैन वी लिव विथ आवर ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स अंकल्स आंट्स एंड कजेंस इट इज कॉल्ड ए ज्वाइंट फैमिली जो फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स अंकल आंटी कजेंस ये सारे सब लोग मिलकर रहते हैं मतलब बहुत सारे लोग हैं तो ये क्या हो गया ज्वाइंट फैमिली हो गया ठीक है ग्रैंड पेरेंट्स लुक आफ्टर दअ चिल्ड्रेन ओल्डर पीपल गेट प्रॉपर केयर इन जॉइंट फैमिलीज एवरी वन गिफ्ट इच अदर कंपनी एंड दे फॉर इट इज फॉर लिविंग इन ए जॉइंट फैमिली जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और अपने पोता पोती का ख्याल भी रखते हैं और जो बड़े बड़े लोग होते हैं हमको केयर करते हैं कि नहीं प्रॉपर केयर करते हैं हम लोगों का और हम um, हम लोग अगर सब 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 लोग एक साथ मिलकर रहेंगे तो हमको मजा भी आएगा कि इसलिए हमको जॉइंट फैमिली में बहुत मज़ा आता है देखो ये है जॉइंट फैमिली जॉइंट फैमिली में कितने लोग हैं गया है कि नहीं यहाँ पे इम्पॉसिबल द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फैमिली हैज मोर देन वन एटी मेंबर्स ऑल ऑफ देम लिविंग ऑल ऑफ देम लिव अंडर वन ग्रुप इन ए विलेज इन द स्टेट ऑफ मिजोरम इंडिया हमारे जो वर्ल्ड का बिगेस्ट फैमिली है वहाँ पे टोटल कितने मेंबर है 180 मेंबर Joint family. एक ज्वाइंट फैमिली में टोटल कितने मेंबर हैं वन एटी मेंबर और ये कहाँ पे रहते हैं मिजोरम हमारा जो इंडिया का स्टेट है मिजोरम वहाँ पे ये फैमिली रहता है ठीक है देखो शेयरिंग इन ए फैमिली सुमित एंड रीना शेयर वारे सुमित एंड रीना शेयर ए फैमिली रीड देयर डायलॉग्स ये सुमित और रीना अपने फैमिली में क्या क्या, क्या काम शेयर करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे देखो सुमित बोल रहा है माई फादर हेल्प्स माई मदर इन कुकिंग उसके पापा उसके मम्मी को खाना बनाने में मदद मदद करते हैं रीना क्या बोल रही है माई मदर गोज टू वर्क उसकी मम्मी काम करते हैं काम पे जाते हैं सुमित क्या बोला है माई grandparents पेरेंट्स टेल मी स्टोरीज उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उसके दादी या दादा हैं उसको स्टोरी सुनाते हैं और रीना क्या बोल रही है माई grandparents पेरेंट्स हेल्प मी विथ माई होमवर्क उसके जो ग्रांड पेरेंट्स हैं उसको अपना जो स्कूल का होमवर्क होता है उसे करने में मदद करते हैं सुमित आई लव माई फैमिली हाई हेल्प एवरीबडी सुमित क्या बोल रहा है मैं अपने फैमिली को बहुत प्यार करता हूँ और अपने फैमिली में सब लोगों को हेल्प भी करता हूँ रीना क्या बोल रही है आई लव माई फैमिली टू आई हेल्प एवरीबडी टू मैं भी अपनी फैमिली को बहुत प्यार करती हूँ और अपने फैमिली में सब लोगों को मदद भी करती हूँ बोल रहा है हाउ डू यू हेल्प योर पेरेंट्स ये सुमित और रीना जैसे अपने मामे अपने परिवार के बारे में कह रहे हैं और हेल्प भी कर रहे हैं अपने मम्मी पापा को या परिवार को तो आप अपने पेरेंट्स को कैसे हेल्प करोगे यहाँ पे दो लाइन लिखना है आपको आपको जैसे भी पसंद आप हेल्प कर सकते हो कुकिंग में हेल्प कर सकते हो या जो भी काम हो आप हेल्प कर सकते हो कि नहीं अपने मम्मी पापा को तो यहाँ पे आपको लिखना है ठीक है आज हम पढ़ेंगे ये चैप्टर खत्म हो गया फैमिली के बारे में तो नेक्स्ट हम इसका एक्सरसाइज करेंगे ठीक है